जब भी दुनिया के सबसे क्रूर शासकों की बात होती है तो चंगेज खान का नाम सबसे पहले आता है। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे तो यूरोप के लोग शैतान। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते वहां खून की नदियां बहने लगती, लाशों के पहाड़ बन जाते। चंगेज खान ने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी खत्म कर दी थी। चंगेज खान का असली नाम टीमुचिन था। वो मंगोलिया के एक कबीले में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि टीमुचिन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। तब मंगोलिया कोई साम्राज्य ना होकर अलग अलग कबीलों में बटा था, जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। आपसी लड़ाई के चलते ही टीमुचिन के पिता की हत्या हो गई थी। टीमुचिन का एक सौतेला भाई भी था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में संघर्ष हुआ और टीमुचिन ने अपने सौतेले भाई को मार डाला। इस समय तक टीमुचिन का कबीला शक्तिशाली नहीं था। धीरे धीरे करके टीमुचिन ने तमाम कबीलों को एक किया, उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। हालांकि सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई होती रही, लेकिन फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह कर ले। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई और इस काउंसिल में टीमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार चुना गया और मंगोलों ने टीमुचिन को कैगन के खिताब से नवाजा। यहीं से टीमुचिन को एक नया नाम मिला, चंगेज, और कैगन आगे चलकर खान में बदल गया। इस तरह टीमुचिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। अपने नाम के अर्थ को साकार करने के लिए चंगेज खान ने अपने सैन्य मुहिम की शुरुआत की। सबसे पहले उसने चीन पर आक्रमण किया। आज का बीजिंग उस समय झोंगडू नाम से जाना जाता था। उस समय जिन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि चीन के लोग मंगोलियाई लोगों को जंगली समझते थे और उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते थे। चंगेज खान अपनी सेना लेकर ग्रेट वॉल के पास पहुंचा और घेरा डाल दिया। अंदर जाने वाली रसद की सारी लाइनें काट दी गई। 3 साल तक ये घेरा पड़ा रहा। फिर जब लोग भूखे मरने लगे तो जिन साम्राज्य ने हथियार डाल दिया और इस तरह चीन के एक बड़े हिस्से पर चंगेज खान का कब्जा हो गया। अगला नंबर आया पर्शिया का। यहाँ चंगेज खान ने अपने कुछ जासूस भेजे, लेकिन उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज खान ने एक आधिकारिक राजदूत भेजा, लेकिन कुछ दिन बाद पर्शिया के राजा ने राजदूत का कटा हुआ सिर चंगेज खान के पास वापस भेज दिया और अब चंगेज ने युद्ध का ऐलान कर दिया। शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मंगोल सेना ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर डाला। यहाँ तक कि उन्होंने शहर के कुत्ते भी मार डाले। इस तरह युद्ध करते हुए उसकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुंच गई। चंगेज खान सिंधु नदी तक भी आया था, लेकिन उसने भारत पर हमला नहीं किया। सिंधु नदी तक चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार की वजह से आया था। दरअसल ख्वारिज्म साम्राज्य के एक गवर्नर ने चंगेज के भेजे व्यापारियों और कुछ जासूसों की हत्या कर दी थी और उनका माल लूट लिया था। चंगेज ने वहाँ के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में दूत भेजा और कहा कि उस गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह ने उसके दूत को कत्ल करवा दिया और उसका सिर चंगेज के पास भेज दिया। चंगेज ने बदला लेने के लिए ख्वारिज्म पर हमला किया और उस गवर्नर को मार डाला। उसने गवर्नर की आंखों में सीसा और चांदी पिघलाकर डलवा दिया। चंगेज खान ने ख्वारिज्म के साम्राज्य को तहस नहस कर डाला। मोहम्मद शाह के बाद उसका उत्तर अधिकारी जलालुद्दीन मांगबर्नी किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया, जिसका पीछा चंगेज ने सिंधु नदी तक किया। सिंधु नदी पार कर मांगबर्नी ने मुल्तान में शरण ली और यहाँ से उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा और दिल्ली में अपने लिए शरण मांगी। इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबर्नी की मदद कर चंगेज खान जैसे खूंखार की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी से काम लिया। उसने मांगबर्नी के दूत का स्वागत सत्कार किया, लेकिन जल्दी से कोई जवाब नहीं भेजा। उसने बहुत दिनों तक बहाने बनाए, कभी कहा कि दिल्ली का मौसम सही नहीं है तो कभी कहा आपके लिए नया महल बनाकर पेश करूंगा।
थक हार कर मांग बर्नी ने लाहौर में शरण लेने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि मुगल इतिहासकार अब्दुल फजल का कहना है कि इल्तुतमिश ने मांग बर्नी के दूत को जहर देकर मरवा डाला था। एक और इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जैसे ही मांग बर्नी सिंध की सीमा तक पहुंचा, इल्तुतमिश ने फौज भेजकर उसे पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान मंगोलों की दो छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक आई, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण की कोशिश नहीं की। चंगेज खान सिंधु नदी से लौट गया और फिर कभी वापस मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। मंगोल इतिहास पर लिखी गई किताब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार सिंधु नदी के किनारे चंगेज खान को एक सींग वाला एक जानवर दिखाई दिया। इस बात को अपशकुन मानकर उसने भारत पर आक्रमण का विचार त्याग दिया और वो वापस लौट गया। साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया था। उसकी सेना बहुत ही क्रूर थी। सेना कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर कैसे भारी पड़ गई? और इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात तो चंगेज खान ने अपनी सेना को योग्यता के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अक्सर अपने परिवार वालों को और खास लोगों को सेना में ऊंचे औहदे पर रखते थे। दूसरा ये कि चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था, जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी दूसरे धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। इसके अलावा दुश्मन सेना के जो लोग उसके आगे हथियार डाल देते और अगर वो उन्हें लड़ने लायक समझता तो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था। ऐसे सैनिक विद्रोह ना करे, इसके लिए वो इन्हें अलग अलग गुटों में बांटकर अपनी सेना में जोड़ देता था। चंगेज खान के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो शहर के शहर तबाह कर डालता था। इसके पीछे भी दो कारण थे। पहला तो ये कि वो अपने साथ युद्ध बंदी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी सेना की रफ्तार कम होती थी। दूसरा ये कि शहर के लोग मंगोलों को जंगली समझते थे, इस वजह से वो शहरों से नफरत करता था और उसके शासन काल में कभी बड़े बड़े शहरों का निर्माण भी नहीं हुआ। चंगेज खान की जिंदगी जितनी विवादों से घिरी है, उसकी मौत भी उतनी ही विवादित है। कहा जाता है कि वो घोड़े से गिरकर मरा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध के दौरान घायल होने की वजह से वो मर गया। दरअसल चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। इसका कारण ये है कि वो खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद करें। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनने दी और मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को भी न चले। पिछले कुछ सालों में चंगेज खान की कब्र ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि चंगेज खान की कब्र कभी ढूंढी जा सकेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।